नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनिधि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। देहरादून में मनाया सुशासन दिवस, मुख्य सेवक सदन में मुख्यमंत्री उत्कृष्ट एवं सुशासन पुरस्कार वितरण समारोह। सीएम धामी ने दी बधाई, राज्यपाल ने 5 IAS को किया सम्मानित। पीएम मोदी की मन की बात सुनी सीएम धामी ने, कहा कार्यक्रम में हम सभी को देते हैं प्रेरणा, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन को लेकर की बात। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती, उत्तराखंड सीएम राज्यपाल ने दी श्रद्धांजलि, कार्यकर्ताओं ने भी किया याद। उत्तराखंड में धर्मांतरण मामला, उत्तरकाशी के पुरोला विकासखंड के ग्रामीण और हिंदूवादी संगठनों ने किया विरोध, 7 के खिलाफ मामला दर्ज। उत्तराखंड में मौसम की मार, देहरादून में मुख्यमंत्री ने लिया व्यवस्थाओं का जायजा, जरूरतमंदों को बांटे कंबल। खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। मन की बात कार्यक्रम को ध्यानपूर्वक सुनने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात का कार्यक्रम हम सभी को प्रेरणा देता है। यह हम सभी देशवासियों को आपस में जोड़ने का प्रभावशाली माध्यम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। पूरी दुनिया में उनकी नेतृत्व क्षमता की सराहना की जाती है। उनके नेतृत्व में विश्व में भारत का नाम और मान सम्मान बढ़ा है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने छिद्दरवाला में पीएम मोदी की देश से की गई मन की बात को सुना। इस अवसर पर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह और डोईवाला के ब्लॉक प्रमुख भगवान सिंह पोखरियाल के साथ तमाम भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ बुजुर्ग कार्यकर्ताओं को शॉल और फूल माला पहनाकर उनका सम्मान किया गया। आज माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का भी कार्यक्रम है और भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को इस मुकाम तक पहुंचाने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई, उनका भी आज जन्मदिन है। साथ ही आज पंडित मदन मोहन मालवीय जी, जिन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की और उत्तराखंड के, जिनको पेशावर कांड का नायक माना जाता है, ऐसे बीरचंद सिंह गढ़वाली जी। और आज बड़ा दिन भी है, यानी कि क्रिसमस भी आज से शुरू हो रहा है। तो आज हम सभी को बहुत शुभकामनाएं देते हैं और अपने जो ये दिवंगत हैं जिन्होंने इस देश के निर्माण में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई, उनको भी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाई गई। इस अवसर वार्ड नंबर 4 में भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने वाजपेयी की फोटो पर फूलमाला डालकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्हें नमन कर याद भी किया गया। उत्तराखंड सरकार अच्छे कार्यों के लिए जिलाधिकारियों को सम्मानित करती आई है। देहरादून राजभवन स्थित ऑडिटोरियम में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में जिलाधिकारियों को राज्यपाल पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किए गए। उत्कृष्ट जिलाधिकारी पुरस्कार 2022 के लिए नैनीताल के जिलाधिकारी धीराज गर्ब्याल, हरिद्वार के जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे, पौड़ी गढ़वाल के जिलाधिकारी आशीष चौहान, रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित, चमोली के जिलाधिकारी हिमांशु खुराना को उत्कृष्ट जिलाधिकारी पुरस्कार 2022 दिया गया। I'm very impressed when I visited him and मुझे पूरी टीम बहुत अच्छी लगी, इनके सीडीओ साहब भी बहुत अच्छे लगे। ऐसा वातावरण बनाया जिसपे ऐसा लगता है कि let everybody participate, you know. This was very thrilling for me as a leader to see for my own self.
अभी संपन्न हुई सफल केदारनाथ यात्रा के प्रबंधन में भी आपका तुलनीय योगदान रहा है। उत्तराखंड सरकार ने मुख्यमंत्री उत्कृष्टता एवं सुशासन पुरस्कार कार्यक्रम देहरादून स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित किया गया। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों के चयनित अफसर और कर्मियों का सीएम धामी ने सम्मान किया। आपको बता दें कि 25 दिसंबर को पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर भाजपा सुशासन दिवस मना रही है। सीएम धामी ने सबसे पहले सम्मानित लोगों को बधाई दी और पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के बताए मार्ग पर चलने की अपील की। पुरोला विधानसभा के देवडूंग क्षेत्र में एक एनजीओ के नवनिर्मित भवन में सामूहिक धर्मांतरण कराए जाने के मामले में पुलिस ने ईसाई मिशनरी से जुड़े 7 लोगों के खिलाफ उत्तराखंड धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। गौरतलब है कि देवडूंग क्षेत्र में एक एनजीओ के नवनिर्मित भवन में एक समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें बाहर से आए धर्म विशेष के लोगों ने नेपाली मूल के करीब 1 दर्जन लोगों समेत कुछ स्थानीय लोगों को आमंत्रित किया था, जिसको लेकर ग्रामीणों ने वहां पहुंचकर सामूहिक धर्मांतरण करने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। इस मामले में शुक्रवार देर रात पुलिस ने विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी जिलाध्यक्ष वीरेंद्र रावत की तहरीर पर नेपाली मूल के जगदीश सहित ईसाई मिशनरी के कुल 7 लोगों के खिलाफ उत्तराखंड धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया था। ये कानून लाया ही ऐसे लोगों के लिए गया है जिन्होंने गलत तरीके से धर्मांतरण करवाया है, प्रलोभन देकर, लालच देकर, डराकर, धमकाकर, गलत तरीके से। ये किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम इस कानून को लाए हैं। इसको सख्ती से लागू किया जाएगा। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट में राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय मानिला कुड़ीघार में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। वहीं अध्यक्ष खुशबू नेगी, कोषाध्यक्ष ललित मनराल, विश्वविद्यालय प्रतिनिधि रितु ने शपथ ग्रहण किया। वहीं प्राचार्य डॉक्टर जया पांडे ने राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय मानिला में छात्र संघ नवनियुक्त पदाधिकारियों शपथ दिलाई गई। वहीं प्राचार्य डॉक्टर जया पांडे ने बताया कि इस बार छात्र में 3 पदों पर ही नामांकन किया गया। 3 पदों पर निर्विरोध निर्वाचित हुए, जिसमें प्राचार्य डॉक्टर जया पांडे ने सभी छात्र संघ पदाधिकारियों को बधाई दी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में निर्विरोध निर्वाचित पर कार्यकर्ताओं ने खुशी जताई। जो संस्था केवल 3 ही पदों पर नामांकन आ पाए, अध्यक्ष, विश्वविद्यालय प्रतिनिधि और जो कोषाध्यक्ष पद पर, अध्यक्ष पद पर कुमारी खुशबू नेगी, विश्वविद्यालय प्रतिनिधि के पद पर रितु और कोषाध्यक्ष पद पर ललित सिंह मनराल निर्विरोध निर्वाचित हुए। रुड़की के भारापुर भौरी गांव में राशन डीलर पर ग्रामीणों ने राशन न देने का आरोप लगाया। लोगों का कहना है कि गांव का डीलर उन्हें राशन नहीं देता, जबकि उनके घरों की स्थिति बहुत ही खराब है, जिसकी कई बार अधिकारियों से भी शिकायत की गई, लेकिन शिकायत करने के बावजूद भी राशन डीलर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा डीलर ग्रामीणों को धमकाता रहता है। वहीं जब राशन डीलर से इस बारे में जानना चाहा तो उसके तेवर अलग ही नजर आए। उसने ग्रामीणों पर चुनावी रंजिश का आरोप लगाया। मामले में जॉइंट मजिस्ट्रेट अभिनव शाह ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में आया है और मामले की जांच कराई जाएगी। अगर डीलर दोषी पाया जाता है तो कार्रवाई की जाएगी। और एक जो कोटा जो फ्री का वो क्या नाम अपना जब्त कर लेता है, और जो वैसा है ना जो क्या नाम पैसों का उसे बांट देता है, और कम से कम 2 दिन दुकान खोलता, उसके बाद कोई दुकान नहीं खोलता। डीलर कौन है? प्रताप डीलर भौरी। और जी क्या नाम जो जो लोग नहीं रहते उन्हें ताना सही करता और कहता भाग जाओ यहाँ से, नहीं मैं तो थप्पड़ मार दूंगा, भाग यहाँ से। नहीं क्या कहें भाई, मैं तो पास हूँ उसका, मेरा पार्टी का मुद्दा कोई आम शिकायत नहीं है मेरी, मेरे पास 800 कार्ड है, इसकी शिकायत तो अगर ज्यादा करा तो क्या करोगे इसके साथ? झगड़ा वादा करना चाहे ना, जब झगड़ा करेगा फिर तो कुछ ना कुछ होगा। आरओ साहब को भी बोला, तहसीलदार साहब को भी बोला है कि वो अभी जाके यहाँ का औचक निरीक्षण करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि इनकी क्या नियमितताएं पाई गई और जो भी इसमें नियमितताएं पाई जाएंगी उसके हम आवश्यक कार्रवाई की।
उत्तराखंड में मौसम ने करवट ली और में बर्फबारी हो गई। उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री धाम सहित हर्षिल घाटी में बर्फबारी शुरू हुई। हर्षिल घाटी में यह सीजन की पहली बर्फबारी है। इस समय हर्षिल में तापमान -4 डिग्री सेल्सियस है। जिला मुख्यालय के आसपास मौसम साफ है, वहीं कहीं कहीं पर्वतीय क्षेत्रों में बादल मंडरा रहे हैं। सर्द हवाओं से पहाड़ से मैदान तक ठिठुरन बढ़ गई है। सीजन की पहली बर्फबारी से नए साल के लिए पर्यटकों के लिए खुशखबरी है। वहीं सफेद चादर में मां गंगे की शीतकालीन प्रवास मुखवा में इस वर्ष की पहली बर्फबारी से होटल व्यवसायियों के चेहरे खिल उठे हैं। बुलेटिन में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। खबर जो कभी बताती है सच, तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास, खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से, तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से, तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से, तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है, खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। अब खबर हरिद्वार के रुड़की से है, जहां लड़कियों के दो गुटों में मारपीट हो गई। वहीं साथ ही मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इंटरनेट मीडिया प्रसारित वीडियो में एक लड़की दूसरी लड़की को बेरहमी से पीट रही है। यह वीडियो रुड़की के होटल के समीप का है। होटल के बाहर लड़कियों के दो गुट आपस में झगड़ा कर रहे हैं। देखते ही देखते उनमें गाली गलौज और मारपीट शुरू हो जाती है। एक लड़की दूसरी को जमीन पर गिराकर डंडे से पीट रही है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र चौहान के अनुसार किसी ने कोई सूचना पुलिस को नहीं दी। वीडियो पुलिस को मिला है, इसकी छानबीन की जा रही है। आज प्रभु यीशु का जन्मोत्सव यानी कि क्रिसमस उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी प्रदेशवासियों विशेषकर ईसाई समुदाय को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि यह त्यौहार हमें प्रेम, दया, सेवा और मानवता के प्रति समर्पण की प्रेरणा देता है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने संदेश में कहा कि यह पर्व सेवा, त्याग, प्रेम और करुणा जैसे आदर्शों का अनुसरण करने का संदेश देता है। क्रिसमस भाईचारे की भावना और खुशियों को बांटने का उत्सव है। उत्तराखंड में सर्दी के प्रकोप के बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में मौसम की मार से बचने के लिए उचित व्यवस्था करने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। उत्तराखंड में सर्द का प्रकोप जारी है, ऐसे में राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में मौसम की मार से बचने के लिए उचित व्यवस्था करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। सीएम धामी ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों और नगर आयुक्तों को निर्देश दिया है कि वे अपने जिलों और नगर क्षेत्रों में प्रमुख स्थलों पर अलाव की व्यवस्था सुनिश्चित करें और जरूरतमंदों को कंबल और गर्म कपड़े उपलब्ध कराना भी सुनिश्चित करें। ठंड बढ़ गई है और इस मौसम में सभी को ठीक प्रकार से उनके ओढ़ने की व्यवस्था हो और अलाव चूंकि जरूरी है तो अलाव जलाने की पहले से व्यवस्था भी है, तो सभी जगह हमने कहा है कि सबके लिए अलाव की व्यवस्था भी होनी चाहिए, जिससे कि लोगों को आग तापने के लिए और जो है थोड़ा ठंड से बचने का एक अच्छा हो रहा है। उत्तराखंड के काशीपुर में राधे हरि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के छात्र संघ चुनाव मंक सचिव पद पर फैजुल रहमान की 13 वोटों से जीत के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद समर्थित अभय अरोड़ा के समर्थकों ने रिकाउंटिंग की मांग को लेकर महाविद्यालय परिसर में हंगामा काटा और रिकाउंटिंग की मांग की। इस दौरान आक्रोशित समर्थकों ने छात्र संघ चुनाव में सचिव पद पर पुनर्मतदान की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। पहले भी मैंने बोला था कि मेरे पे दबाव डाला गया था, मेरे घर पे गुंडे भेजे गए थे दबाने के लिए कि सचिव से बैठ जाओ। मैंने उन्हें साफ बोल दिया कि मैं पॉलिटिकल पार्टी के दबाव में नहीं आना चाहता, लेकिन यहाँ कॉलेज के इलेक्शन में पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व हो रही हैं। यहाँ पे मैं किसी नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन एक कार्यकर्ता यहाँ घूमता हुआ पाया गया है कॉलेज प्रशासन के अंदर, पुलिस के होते हुए वो अंदर आया है। कुमाऊं के सबसे बड़े महाविद्यालय एमपीपीजी कॉलेज छात्र संघ चुनाव में पहली बार किसी महिला प्रत्याशी ने अध्यक्ष पद पर कब्जा जमाया है। एबीवीपी से बागी होकर निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरी रश्मि लमगडिया ने एबीवीपी प्रत्याशी कौशल बरखानी को 1294 मतों से पराजित कर इतिहास रच दिया। एबीवीपी से बागी निर्दलीय लड़ रही रश्मि को 2647 और एबीवीपी के कौशल बरखानी को 1353 मत प्राप्त हुए। रश्मि को 2647 मत मिले जबकि कौशल को 1353 वोट प्राप्त हुए। वही एनएसयूआई प्रत्याशी सूरज भट्ट को 470 मतों से ही संतोष करना पड़ा। निर्दलीय अरहम रजा को सिर्फ 42 छात्रों का साथ मिला। जीत के बाद रश्मि ने सभी छात्र छात्राओं का आभार प्रकट करते हुए कहा कि छात्रों ने जो उन पर भरोसा जताया है उस पर वह खड़ा उतरने का प्रयास करेंगी। सभी नवनिर्वाचित छात्र संघ पदाधिकारियों को देर रात शपथ दिलाई गई। दिखा दिया कि अगर छात्र शक्ति मेरे साथ है तो कुछ भी असंभव नहीं है। छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति है, जैसी मैं हमेशा कहते आई हूँ। और मैं एक बात कहना चाहूँ, जब बेटी खड़ी होती है तो जीत बहुत बड़ी होती है, जिसका उदाहरण आज आप लोग सभी लोग देख रहे हैं। बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, आप लोगों को पता है क्या करा है, कुछ करा है। हाँ, एक बात कहना चाहती हूँ, परिषद ने कहीं ना कहीं
क्या कहते हैं मुझे मंच दिए थे, लेकिन जब मेरा अपमान भी बहुत बड़ा अपमान किया है, भले ही वो कुछ चुनिंदा लोगों ने करा हो, मैं परिषद ज्वाइन तो नहीं करूँगी, लेकिन फिर भी दिल से थैंक यू, बहुत टाइम तक मैं उन लोगों के साथ रही थी। देखिए जिन भैया लोगों ने, जो बड़े भैया लोग मेरे साथ खड़े रहे हैं, मैं उनकी छत्र छाया बनकर, जो छात्र शक्ति मेरे साथ खड़ी रही है, मैं उनकी ताकत बनकर खड़े रहना चाहती हूँ। अध्यक्ष यहाँ पर जीत गई है, रश्मि लमगड़िया उनका नाम है, और ये MB कॉलेज का एक इतिहास है कि पहली बार एक महिला प्रत्याशी को छात्र और छात्राओं ने चुना। ये भी अपने आप में एक गरिमा का विषय है, क्योंकि छात्राओं का जो मामला है वो हमेशा प्रकाश में रहता है, महिला सुरक्षा रहती है प्रकाश में। तो इस छात्रा ने ये दर्शा दिया कि शायद छात्रा भी कुछ कर सकती है। धर्मांतरण जैसे मामले अब पहाड़ी जिले उत्तरकाशी में दिखने लगे हैं। पुरोला विकास खंड में ऐसा ही एक मामला सामने आया, जिसमें ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया और सड़कों पर उतरकर ग्रामीणों और हिंदूवादी संगठनों ने नारेबाजी कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। आपको बता दें कि जिले के पुरोला विकास खंड में धर्मांतरण को लेकर जमकर विवाद के बाद धर्मांतरण कानून के तहत मुकदमा दर्ज हो गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि संस्था द्वारा धर्मांतरण कराए जाने को लेकर यहां कड़ी संख्या में लोगों को एकत्रित कराया गया था। ग्रामीणों ने पुलिस व प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर धर्म परिवर्तन कानून के तहत कार्रवाई करने की मांग की। थानाध्यक्ष पुरोला ने बताया कि क्षेत्र में एक संस्था की ओर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था। धर्मांतरण के संबंध में जो थाने पे तहरीर आई थी, स्थानीय लोगों के द्वारा तहरीर दी गई थी, उसके संबंध में सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आगे तफ्तीश जारी है, साक्ष्य संकलन किए जा रहे हैं घटना के संबंध में। तो चलिए जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्य सेवक सदन में मुख्यमंत्री उत्कृष्टता एवं सुशासन पुरस्कार वितरण समारोह, सीएम धामी ने दी बधाई, राज्यपाल ने 5 IAS को किया सम्मानित। पीएम मोदी की मन की बात को सुना सीएम धामी ने, कहा कार्यक्रम में हम सभी को देते हैं प्रेरणा, शिक्षा स्वास्थ्य और पर्यटन को लेकर की बात। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती, उत्तराखंड सीएम और राज्यपाल ने दी श्रद्धांजलि, कार्यकर्ताओं ने भी किया याद। उत्तराखंड में धर्मांतरण मामला, उत्तरकाशी के पुरोला विकास खंड के ग्रामीण और हिंदूवादी संगठनों ने किया विरोध, 7 के खिलाफ मामला दर्ज। उत्तराखंड में मौसम की मार, देहरादून में मुख्यमंत्री ने लिया व्यवस्थाओं का जायजा, जरूरतमंदों को बांटे कंबल। इन्हीं सब खबरों के साथ फिलहाल के लिए जन उत्तराखंड में बस इतना ही, नमस्कार।